भरतपुर जिला प्रशासन ने तिलकनगर समेत आसपास की कॉलोनियों में लग रहे कर्फ्यू में शिथिलता दी है, जिससे क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि 16 अप्रैल को तिलकनगर में कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था। 27 अप्रैल तक यहां कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने सरकारी और निजी कर्मचारियों को कार्यालय जाने की अनुमति दी। इसके अलावा खाद्य सामग्री की दुकानें, मेडिकल, बैंक और एटीएम खोलने की छूट दी। भरतपुर पूरे जिले की स्क्रीनिंग करनी है हमें डोर टू डोर। इसमें अभी प्रथम जो एरिया दिया गया है वो तिलक नगर और मुख्य जो कर्फ्यू क्षेत्र है ना, 1 किलोमीटर की जो परिधि में है, वो पूरा एरिया हमें अभी आने वाले 7 दिनों में कवर करना है पूरा का पूरा। और इसके बाद 3 किलोमीटर की परिधि, उसके बाद जो भरतपुर की 5 किलोमीटर परिधि में जो एरिया आ रहा है, ये पूरा हमें कवर करना है। अच्छा, थर्मल स्क्रीनिंग में क्या क्या आ जाता है? मतलब थर्मल स्क्रीनिंग में हम लोग सबसे पहले उसका टेम्परेचर के आधार पर चेक करते हैं स्क्रीनिंग में, और उसके बाद जो सिम्टम्स हैं उसकी जानकारी लेकर के पूरा चेक कर रहे हैं। और टेम्परेचर से पहली स्टेज है कोरोना की, वो है टेम्परेचर, जिससे पता चलता है कि कोरोना के लक्षण उस